नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर किया बड़ा खुलासा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, SDOP सुमित अग्रवाल, कोतवाली टी रविंद शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया, कोतवाली एवं दृष्टा टीम ने टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी हेमंत कुशवा, आपको बता दें ब्रजेश राय अकबर, जीतू कुशवा, दीपक पाल, अफसर उर्फ गुंडा, आपको बता दें अंशु उर्फ शौकत खान, आपको बता दें सभी आरोपियों पर पूर्व से संगीन अपराध पंजीकृत हैं एवं फरार हैं। आरोपियों के कब्जे से असला हुआ बरामद, एक अधिया बंदूक, 4 देसी कट्टा, 1 32 बोर का पिस्टल, 1.13 जिंदा राउंड, 1.5 लाख का कॉपर एवं दिनांक 14 की दरमियान रात राजगढ़ चौराहा पर सतत तोड़कर चोरी की थी, वहीं चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि पूर्व में इन आरोपियों का कई बड़ी चोरियों में होना पाया गया है, जैसे सतना में 2.5 किलो चांदी चोरी की गई थी एवं डबरा में भी इन चोरों के द्वारा 2.5 किलो चांदी चोरी करना स्वीकार किया गया। कोतवाली एवं दुर्सड़ा टीम को वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मानित किया जाएगा। कार्यवाही टीम सिटी कोतवाली निरीक्षक रविंद्र शर्मा, उप निरीक्षक आकाश संसिया, उप निरीक्षक अमित कुमार ओसारे, SI मनोज बाथम, SI महेश श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक अनुरोध, आरक्षक मनोज तिवारी, शिव कुमार राजावत, नीरज भदौरिया, फिरोज खान, जसवंत सिंह यादव, गजेंद्र पुष्पेंद्र, पवन गोविंद, राहुल बुद्ध, अन्य समस्त स्टाफ की टीम की सराहनीय भूमिका रही। दतिया से रजनी लटोरिया की खास खबर। हवाई फायरिंग की और विशुद्ध गुंडागर्दी कहते हैं उसकी 3-4 घटनाएं घटित हुई थी। इसमें हेमंत कुशवा नाम का एक अपराधी है जिसका नाम बार बार आ रहा था और अभी खाली कल कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ में विजय लोधी भी थे। काफ़ी लंबे टाइम से ये लोग ट्रैक कर रहे थे इन अपराधियों को। कल डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को कोतवाली पुलिस और उनकी साथी टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें हेमंत कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है, 22 वर्ष है। इसके अतिरिक्त ब्रजेश रायकवार है, जीतू कुशवाहा, दीपक पाल और अफसर खान, आशु खान, ये 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास 1 पिस्टल, 4 कट्टे और 1 अधिया ये बरामद की गई है। इनके अपराधों की बात करें, 2 इनके साथी थे, नफीस खान जो भी वांछित है पुराने अपराधों में, जाहिद खान, ये भाग गए रात को। हेमंत कुशवाहा पे अपने ही चाचा को मारने का आरोप है, 302 में ये वांछित था थाना कोतवाली के अपराध में। इसके अतिरिक्त थाना कोतवाली के अन्य 2 अटैम्प्ट टू मर्डर, धारा 307 के अपराध में ये वांछित था। सिविल लाइन के 307 के अपराध में वांछित था। इसमें बड़ा चैलेंज ये था कि इसके जो मोडस ऑपरेंडी, जिसे हम कहते हैं कि अपराध को नतीजा देने का जो तरीका रहता है, वारदात का तरीका, ये बहुत प्लान करके अपराध नहीं करता था, एकदम जैसे रंगदारी टाइप का काम कहते हैं कि कहीं जा रहा है, किसी ने रोक टोक कर दी तो उस पर फायरिंग कर दी, जो कि इस तरह की घटना हो रही थी, बड़ा चैलेंजिंग टास्क था और पूरी टीम ने लग के इसको पकड़ा है। साथ ही एक और इसमें लिंक मिला है, हेमंत कुशवा का एक साथी है जो गांजे का व्यापार करता है, इसका नाम है अमित पाल। इससे कुल 31 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और कोतवाली में ही NDPS का एक अपराध कायम किया गया है। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि ये गांजा भी उसे हेमंत कुशवाहा सप्लाई करता है। इसमें आगे और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन अलग अलग अपराधों के अतिरिक्त 2 चोरी के और अपराध थे थाना कोतवाली के ही। एक में एक वायर की चोरी हुई थी, लगभग 1 लाख रुपये उसमें मशरूबा था, और एक और अपराध जिसमें 93,000 रुपये का मशरूबा था जो चोरी हुआ था। इन दोनों अपराधों में भी इसका नाम आया है। इसके अतिरिक्त इसने अन्य जिलों के भी कई अपराध, जिसमें सतना, आसपास के जिले हैं, उनको कारित करना स्वीकार किया है। 1.5 लाख रुपए के लगभग मशबूका भी इससे बरामद किया गया है। अलग अलग अपराधों में दतिया में ही इसके ऊपर 35,000 रुपए का इनाम था और जो कि पूरी टीम में वितरित किया जाएगा। मेरे विचार में ये इस साल का सबसे वांछित अपराधी था और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत लग के उसको पकड़ा है। इसके लिए पूरी टीम को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास 1 पिस्टल, 4 कट्टे और 1 अधिया ये बरामद की गई है। इनके अपराधों की बात करें, 2 इनके साथी थे, नफीस खान जो भी वांछित है।